तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुए 67वें SGFI शूटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के राजधानी रांची के रहने वाले रौनक राज महतो ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। महज 16 वर्ष के उम्र में रौनक ने झारखंड का नाम रोशन किया है। स्वर्ण पदक विजेता रौनक राज महतो राजधानी के 10X राइफल शूटिंग क्लब के सदस्य है और नियमित अभ्यास करते हैं। आसू सुप्रीमो सा झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुदेश महतो ने रौनक को सम्मानित किया और मौके पर रफ्तार मीडिया के संवाददाता सौरभ राय से बातचीत करते हुए रौनक ने बताया कि एक्सपीरियंस साझा किया। देखे इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड के युवाओं में काफी टैलेंट है, बस इस टैलेंट को पहचानने की जरूरत है। आज आसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी ने एक युवा को सम्मानित किया है। राइफल चैंपियन है ये, हम इनसे जुड़ेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप पूरा नाम बताइएगा। राइफल में आप चैंपियनशिप भी हासिल किए हैं, गोल्ड मेडल आपको मिला है, कैसा महसूस होता है जब आपका मेहनत फल लाता है और सम्मान आप सुदेश महतो जैसे नेता से होते हैं? मेरा पूरा नाम रौनक राज महतो है, मैं रांची जिला से हूँ। हटिया में मेरा घर है। जब कोई खिलाड़ी को मेहनत करते वक्त वो मेहनत करता है, उसके बाद कोई खिलाड़ी को जब उसका सफलता मिलता है मेडल, तो उसके बाद जो जुनून रहता है कि अभी रुकना नहीं है खिलाड़ी को, वो खिलाड़ी को अभी जब तक जो हम लोग का सोच है ओलंपिक का मेडल, तब तक वो खिलाड़ी रुकना नहीं चाहिए। बस वो मेरे दिमाग में वही घूमता है कि एक मेडल अभी आया, ठीक है चलो, इसके आगे हम लोग को ओलंपिक अभी है, ओलंपिक में मेडल लाना है, वो उसके बाद जाके रुकना है कोई इंसान को। आमतौर पर आम मिडिल क्लास फैमिली सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर UPSC क्रैक करे या तो इंजीनियर बने। आपका फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, क्योंकि एक अनोखा यह टैलेंट है, राइफल में चैंपियन आप हैं, तो फादर से कैसा सपोर्ट मिला है, फैमिली से कैसे सपोर्ट मिला? मेरा फैमिली वाला बहुत सपोर्ट किया हमको, क्योंकि बचपन में कोई भी फैमिली वाला बाहर भेजने से इनकार करता है लोगों को कि बाहर इसको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, बाहर जाने के बाद बिगड़ जाएगा वो बच्चा, कि क्या होगा उसके साथ। और मेरा है कि मैं 15 साल में ही बाहर जाके ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया था अकेले। वहाँ पे 2-3 भैया लोग साथ में रहते थे, मैं बाहर बाहर गया, उसके बाद ट्रेनिंग वहाँ पे लेने लगा, तो पापा लोग भी बोले कि ठीक है चलो, बस कुछ भी तुमको बिगड़ना होगा तो एक बार सोचना कि हम लोग कहाँ से शुरुआत किए, तुमको बिगड़ना होगा बिगड़ जाना, बस तुम जब बिगड़ने का पहला कदम उठाएगा उसमें सोचना कि हम लोग कहाँ से तेरे पीछे मेहनत किए, किस लेवल से हम लोग तेरे पीछे खर्चा करते हैं, क्योंकि शूटिंग आमतौर पर सस्ता स्पोर्ट्स नहीं है वो, जब तक उसके पीछे इन्वेस्टमेंट 4-5 लाख का नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा इसमें, ऐसा है। तो बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें लगा है यह स्पोर्ट में, आगे की क्या कुछ तैयारी है, क्या इसी में करियर बनाना है या कुछ और करना चाहते हैं? करियर तो अभी इसी में बनाना है, इसके द्वारा क्या है कि अगर हम लोग टॉप रहेंगे, टॉप इंडिया में फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंकिंग रहेगा हमारा, तो आप लोग भी जानते जैसे ओलंपिक में अभी उभरता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा सर, उनको मेडल आया तो उनको अभी कितना सारा मिलता है कि स्पोर्ट्स के थ्रू उनको कितना सारा मिलता है कि आ जाओ हमारे यहाँ जॉब करो, बहुत सारा उनको मिला है, प्रोवाइड किया गया है, स्पॉन्सर उनको मिलता है। वैसे हम लोग स्पोर्ट्स में जब तक मेडल आ गया उसके बाद हम लोग को भी स्पॉन्सर मिलेगा, सारा स्पोर्ट्स में यही है। तो मेरा भी यही है कि स्पोर्ट्स में फिलहाल मैं ध्यान दे रहा हूँ, बाकी स्कूल वाले सपोर्ट करते हैं, जैसे CBSE में 90% अटेंडेंस का ज़रूरत रहता है, लेकिन स्कूल वाले बोलते हैं ओके आप ऑनलाइन क्लासेस करो, अभी जैसे मैं एग्ज़ाम लिखने आया हूँ यहाँ पे मार्च के, अभी फरवरी एग्ज़ाम का डेट से, तो एग्ज़ाम लिख के मैं फिर वापस जाऊँगा, हैदराबाद जाना है मेरे को 5 तारीख को। तो ये हम कह सकते हैं बड़ी चुनौती भी रहती होगी आपके लिए, पढ़ाई भी एक तरफ स्पोर्ट्स भी, और हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई और स्पोर्ट्स। हम लोग का रूटीन एक्चुअली रहता है सुबह 9 बजे उठना है, 9 बजे से ट्रेनिंग चालू रहता है हम लोग, मेरा रूटीन है कि सुबह 7 बजे उठ के थोड़ा मोड़ा योगा करना है, उसके बाद योगा करने के बाद फ्रेश होके शूटिंग रेंज जाना है, शूटिंग रेंज में 9 से 12 ट्रेनिंग, 12 के बाद हम लोग को थोड़ा रिलैक्सेशन सेशन किया जाता है, रिलैक्सेशन सेशन के बाद 3 बजे से वापस लेन पर खड़ा हो, 3 से 6 प्रैक्टिस होता है, 6 से 7 फिजिकल हम लोग को करवाया जाता है कि कोई भी इंजरी नहीं आया हम लोग में, 7 बजे हम लोग रूम आते हैं, 7:30 तक नहाते हैं, उसके बाद 8 बजे से पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा इंसान पढ़ेगा तो वो हो जाएगा, अब थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं 8 से 9, 9 से 10 थोड़ा मोड़ा मोबाइल देखते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया, उसके बाद 10:30-11 बजे तक सो जाते हैं, जो भी पढ़ते 1 घंटा 1.5 घंटा जैसा।
ये जो गोल्ड मेडल आपने लाया है, ऐसा कितना गोल्ड मेडल आपके घर में इकट्ठा हो गई है इतने कम एज में? अभी तो फिलहाल 2022 में स्टेट में मेरा 2 गोल्ड था, 2023 में 3 गोल्ड था तीनों कैटेगरी में, सीनियर जूनियर यूथ में। देन अभी SGFI हुआ था ऑल इंडिया लेवल पे, सारे स्कूल के बच्चे लोग आए थे अंडर 19 तक, वो अंडर 19 में मेरा एक गोल्ड अभी तक है ये ऑल ओवर इंडिया में। देन अभी और आगे बाकी मेहनत करना बाकी है। जो राइफल का जो स्पोर्ट्स है, इसमें अगर रांची के युवा, झारखंड के युवा आगे आना चाहते हो तो एज अ यूथ क्या संदेश देना चाहेंगे उनको, क्या मैसेज रहेगी? बस यही है कि अगर इंसान को बस दिल से मेहनत करना, वो अगर चाह जाए कि हमको करना है इसके पीछे, तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। उस बच्चा को अगर सही गाइडेंस मिलेगा, सही सब चीज़ मिलेगा, फैमिली सपोर्ट भी चाहिए इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली सपोर्ट और कोच का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट कोच का सपोर्ट मिलेगा तो वो बच्चा ज़रूर आ, और उसका भी होना चाहिए, उसका भी मेहनत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पापा भेज रहे हैं हाँ ठीक है बस करना है, उसका भी कि हाँ वहाँ जाके हमको खुद से मेहनत करना है, जो भी 1 घंटा मिलता है रांची में 1 घंटा हमको पूरा मेहनत करना, 100% देना है, उसके बाद आके रेस्ट करना घर में। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना कितने बेहतरीन ढंग से इन्होंने अपनी जर्नी को लेकर हम लोगों से साझा की, कैसे इन्होंने अपने फादर और फैमिली के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची और ये कम एज में गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय सहयोगी राज के साथ रांची।